बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 में हम आज का जो टॉपिक है हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इससे पहले जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपलें देखी, उसके बाद हमने देखा कि सर सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है। सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, एक आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। आउटर जो फोर्स हम कर रही होती है उसको हम कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और लेक्चर नंबर 14 में हमने सारा जो डिटेल से पढ़ा था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ा था। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन का और इस सारे चैप्टर का टॉपिक, इस सारे चैप्टर में मेजर हमारे पास न्यूटन साइकिल रहा, उसके बाद दोरी की टेंशन, जो स्ट्रिंग की टेंशन हमने पढ़ी वर्टिकली, और दो बॉडीज वर्टिकल है, एक वर्टिकल पड़ी होती है, एक टेबल के ऊपर पड़ी होती है, दोनों के टेंशन और दोनों के एक्सेलरेशन हमने फाइंड किए थे, वो वाले टॉपिक। और ये आज का जो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये पेपर में किसी भी हवाले से पूछा जा सकता है, कभी इसके हवाले से न्यूमेरिकल आ रहा होता है, कभी इसके हवाले से यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, कभी इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। और आज हम इसमें देखेंगे कि वो MCQs कैसे बना के हमें मुश्किल से मुश्किल MCQs कैसे पूछ सकता है इसमें से लाजमी कोई ना कोई कंसेप्चुअल MCQs होता है हमारे पास, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम हर हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, न्यूमेरिकल के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से। तो इसको बहुत गौर के साथ सुनना है और कोशिश करें हैंड फ्री यूज़ कर लिया करें, या वीडियो को पास कर लिया करें, या मतलब किसी भी तरीके से आप समझने की कोशिश किया करें सर इन लेक्चर्स को। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 में हमने जो पढ़ना वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बदले में जो रिएक्शन फोर्स अमल कर रही होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, किसी भी चीज़ को इतना मजबूर कर देती है, इतना तंग करती है कि आप उस चीज़ को अपने सर्कुलर मोशन में ले आती है। तो जब भी ये सर्कुलर मोशन में लेके आई कोई चीज़ तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर। किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी को क्या करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एक सर्कल में रखती है, एक सर्कल में रहने देती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती, ये उसको मजबूर कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी आगे का एग्जाम्पल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में कि हम जैसे सर्कुलर मोशन में पढ़ा, सर्कुलर मोशन में भी यही एग्जाम्पल थी, तो यहाँ भी यही एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि मून और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सिर्फ हमने इतना बताया कि मून क्या कर रहा है, उसको रिवॉल्व करा रहा है, तो सर्कुलर मोशन को हमने जो कहा। लेकिन यहाँ जो हमने कहना है, जो हमारे पास अगर देखें, ये हमारे पास अगर मून है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इसके इंडिकेट क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रैक बन गया, सर्कुलर ट्रैक बन गया। सर्कुलर ट्रैक जब बन गया तो कौन सी मोशन आ गई, सर्कुलर मोशन आ गई। अब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में उसका लास्ट टॉपिक का मैंने कहा था कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी कशिश की फोर्स होती है जो क्या करती है, तमाम बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है। और इसका कंसेप्ट न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन आपको मैंने बताया भी था कि वो सेब के दरख्त के नीचे बैठा होता है तो सेब नीचे गिरता है, उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने फिर बताया कि ज़मीन के अंदर कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी की फोर्स। और जब ये चीज़ ग्रेविटी की फोर्स अब अमल करेगी मून के ऊपर, ठीक है, तो अब ये जो ग्रेविटी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दे रही है। तो आपने इस में ये भी कह देना कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आपने ये बताना कि कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो कौन सी फोर्स है, ज़मीन की अपनी फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी की फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करवा देती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में यही आपने बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। उसके पास स्टोन है, स्टोन का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है, कि स्टोन को हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक दर्द के से बांध लिया, और इधर हम खड़े हुए इसको घुमाते हुए हमने क्या किया, इसका सर्कुलर ट्रैक बना दी, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तक तो इतना ही बताना है, लेकिन ये बताना है कि ये कौन सी चीज़ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। तो आपको जब इसको घुमाएंगे तो आपको एक टेंशन की फोर्स इधर महसूस होगी,
स्ट्रिंग के अंदर है, जो इसको खिंचाव कर लेगी, इसको खींचते हुए रखेगी, ठीक है। तो ये जो टेंशन की फोर्स है ये क्या करेगी, ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी इसको स्टोन को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने दो एग्जांपल्स में ये याद रखना है कि इस केस में कौन सी है ग्रेविटी की फोर्स दे रही होती है सेंटीमीटर फोर्स, इसमें कौन सी फोर्स दे रही है, टेंशन वाली फोर्स है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, मुझे याद रखना है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जब सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी तो कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन बनेगी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब है सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो इसको मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, वो वाला एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा इसका जो आप। और ये कह रहे हैं कि ये हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर की तरफ होता है। जब आप जब ये मूव करवा रहे होंगे तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ए सी इसको कहते हैं, सी से मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए सी प्रोड्यूस होगा। अब ए सी का फार्मूला क्या होगा, एसी का फार्मूला हमारे पास, एसी क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका क्या है, बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आगे डिस्कस एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में आपने ये तीन बातें याद रखनी है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में दो तीन लाइनें लिखनी है, वो कौन सी लिखनी है आपको बता देता हूँ। तो आपने मैथमेटिकल करना है और कंडीशंस बतानी है। उसके पहले जो ये करना है, इधर आपने क्या करना है, कहता है कि कंसीडर करें एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास एम है, ठीक है। उसको क्या किया गया, एक धागे के साथ एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। जब स्ट्रिंग के साथ बांधा तो इसको क्या किया, उससे घुमाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, घूमना शुरू हो गया। तो सर्कुलर ट्रैक बन गया, कहता है कि ये एम है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही हो, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब कौन सी इधर से पैदा होगी फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको कैसे ग्राउंड करते हैं, एफ सी से, किसे ग्राउंड करते हैं, एफ सी से, ठीक है। तो अब यहाँ ये वाला अप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपने इधर ये जो अभी आपने डायग्राम बनाई है, इसको इधर दो लाइनों में डिस्क्राइब करना है, लेट हैव अ बॉडी, ठीक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा और उसको घुमाना शुरू कर दिया, सर्कुलर ट्रैक में आया, सर्कुलर मोशन बनी, उसमें शायद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बाद तो उसने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स बांध दी। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इधर इस्तेमाल करने लगे हैं मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल में क्या करना है, आपने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना पहले, ठीक है। इधर हम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर ओवर, ठीक है। अब हमने पता है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और आपने इधर कौन सी चीज़ निकाल ली है, एफ सी, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। एम वैसे ही ऐसे आएगा, जो बॉडी का मास वैसे वैसे है, तो ए का क्या है, कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब एफ सी इज इक्वल टू, अब ए सी की जगह पे उसका फार्मूला लिख दे, बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू क्या आएगा, एम बी स्क्वायर बटा आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ड्राइव हो गया। तो ये आपने फार्मूला हमेशा याद रखना है कि सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ सी इक्वल टू एम स्क्वायर बटा आर, एफ सी इक्वल टू एम स्क्वायर बटा आर। तो ये आपने हमेशा फार्मूला याद रखना है। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आपने देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर। हमने इधर जो पहली कंडीशन करनी है, ठीक है, जो कंडीशन है हमारे पास, जो पहली कंडीशन हमने डिस्क्राइब करनी है कि फोर्स का, सेंट्रीपेटल फोर्स का मास के ऊपर क्या डिपेंड है, ठीक है। वो कहता है कि अगर मास को बढ़ाया जाए, मास को दोगुना कर दिया जाए, तो फिर सेंट्रीपेटल फोर्स के ऊपर क्या अमल होगा, तो क्या होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, दोगुनी बढ़ जाएगी। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, एमसीक्यूज में क्या आता है कि अगर मास को डबल कर दिया जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
आपने कहना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, ये एक कंडीशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो कहता है कि अगर आपकी वेलोसिटी है जो वी है उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो एफ सी के ऊपर क्या डिपेंड होगा, ठीक है, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो चार गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर स्टेयर है, अगर टू दो गुना बढ़ाया वेलोसिटी को तो ये क्या हो जाएगी, चार गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इधर मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो मैस दो गुना बढ़ने से आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दो गुना बढ़ गई। उसके बाद वेलोसिटी को अगर दो गुना बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चार गुना बढ़ जाएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे ये रखना याद कि आर रेडियस के ऊपर उसके ऊपर क्या डिपेंडेंस है, ये रेडियस कौन सा है, ये वाला ये दायरे का, जब वो सर्कुलर मोशन में स्टोन घूम रहा था तो बॉडी मैस ही घूम रही थी, ठीक है, तो उसका रेडियस है ये आर, ठीक है। वो कहता है कि अगर आर को दो गुना कर दिया जाए तो एफ सी के ऊपर क्या डिपेंड होगा, ठीक है, क्या डिपेंडेंस होगी एफ सी की। तो ये कहता है कि अगर हम रेडियस को दो गुना कर दें तो क्या होगा, तो आपकी सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये याद रखना है। उसके बाद चौथा जो है कि आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होती है, वर्टिकल मूव करती है, कहाँ मूव करती है, वर्टिकल, मतलब 90 के एंगल पर मूव कर रही होती है। अगर ये फोर्स है, ये बॉडी है, ठीक है, तो ये कौन सा बन रहा है, अगर ये बॉडी है तो ये, अब ये कौन सा 90 के एंगल बन रहा है, मतलब 90 के एंगल कौन सा, वर्टिकल, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और एक याद रखना है कि हमेशा इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, वो सेंटर की तरफ होगा, ये आपने कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। और ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्क्राइब किया, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन में क्या बताया गया, डेफिनेशन में ये बताया गया कि कोई भी बॉडी जो किसी भी चीज़ को सर्कल में रख, कोई भी फोर्स जो किसी भी चीज़ को सर्कल में रखती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कि ग्रेविटी की फोर्स क्या करती है, मून को सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है, जिससे कि मदद से क्या होता है, मून अर्थ के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद स्टोन में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो टेंशन की फोर्स है वो क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास आ जाएगी और स्टोन घूमना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा कि जो वाले सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगी वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर इसका फार्मूला देखा, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ये हमने फार्मूला डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद उसने कहा कि एक्सप्लेनेशन में मैंने तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया एक्सप्लेनेशन को। बच्चों ये एक्सप्लेनेशन जब भी करते हैं तो इसको आप कोई ना कोई ऐसा तरीका सोचा करें कि बेहतरीन से बेहतरीन आपकी एक्सप्लेनेशन हो सके। तो मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो पहली दो लाइनें आपने कौन सी लिखनी है, वो ये लिखनी है कि कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है उसका जो उसको घुमाना शुरू कर रहे हैं, जिस द्वारा वो घुमाएंगे उसका रेडियस आर है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिससे क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्क्राइब किया, ये आपको दो लाइन में इधर बताना है, ये बुक के अंदर लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला लेना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसके बाद एफ इज इक्वल टू में न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला लेना है, उसमें क्या करना है, एफ को एफ सी में चेंज करना है, ए को ए सी में चेंज करना है, ए सी की जगह पर उसकी कीमत पुट कर देनी है। कीमत पुट करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूला है, इसको आपने इसी तरह याद रखना। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, वो कहता है कि अगर मैथ को दोगुना कर दिया जाए तो एफ सी के ऊपर क्या डिपेंड होगा, एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्या डिपेंडेंस होगी, अगर मैथ को डबल कर दें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी, अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स चार गुना हो जाएगी, अगर रेडियस को डबल करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद कहता है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी के वर्टिकल मूव करेगी, वर्टिकल मतलब 90 के एंगल पर बनेगी। उसके बाद कहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो किधर को मूव करेगी, वो हमेशा सेंटर की तरफ मूव करेगी, जिसकी तरफ से वो घूम रहा है, जिसके गिर्द वो चीज़ें घूम रही हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तब तक के लिए अगले लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फी मा अल्लाह।